नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। भारत में दिवाली के त्यौहार की शुरुआत होते ही पश्चिमी रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियों के लिए 200 विशेष ट्रेनें चलाने की योजना का खुलासा किया। ये कदम इन व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्यौहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को समायोजित करने के प्रयास के तहत उठाया गया है। भारतीय रेलवे ने पुष्टि की है कि मंगलवार 29 अक्टूबर से 120 से अधिक ट्रेनें सेवा में होंगी, जिससे इस व्यस्त मौसम के दौरान लोगों को यात्रा करने में सुविधा होगी। इनमें से लगभग 40 ट्रेनों का प्रबंधन मुंबई डिवीजन द्वारा किया जाएगा, जिसमें 22 ट्रेनें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लोकप्रिय गंतव्यों की यात्रा करेंगी। भारतीय रेलवे के अनुसार ये विशेष ट्रेन सेवाएं नियमित संचालन को पूरा करती है, जिसमें त्योहारों की भीड़ और यात्री मांग को पूरा करने के लिए कई अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा हाल ही में जारी विज्ञप्ति में विस्तार से बताया गया, ये इस जीवंत समय के दौरान बढ़ती यात्री मांग को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। उन्होंने कहा, हम इन अतिरिक्त सेवाओं की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। दोनों मंडलीय और मुख्यालय स्तरों से हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समन्वित रूप से ट्रेन वेट लिस्ट और दैनिक वास्तविक समय की जांच के साथ सोमवार को पूर्वी रेलवे ने घोषणा की कि वह दिवाली और छठ पूजा के दौरान 50 विशेष ट्रेनें चला रहा है और 400 अतिरिक्त सेवाएं प्रदान कर रहा है। पूर्वी रेलवे के पीआरओ कौशिक मित्रा ने बताया कि इस साल पूर्वी रेलवे ने विशेष ट्रेनों की संख्या 33 से बढ़ाकर 50 कर दी है। उन्होंने कहा, इस साल पूर्वी रेलवे पिछले साल की तुलना में इस त्योहार के मौसम यानी दिवाली और छठ के लिए अधिक ट्रेनें चला रहा है। पिछले साल विशेष ट्रेनों की संख्या 33 थी, इस साल ये बढ़कर 50 हो गई है। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर हुई दुखद भगदड़ की घटना के बाद भारतीय रेलवे ने अधिकतम स्टाफ तैनाती और सुरक्षा प्रोटोकॉल की घोषणा की है। खासकर बांद्रा टर्मिनस, सूरत, उधना, वडोदरा और अहमदाबाद जैसे उच्च यातायात वाले महत्वपूर्ण स्टेशनों पर, मुंबई डिवीजन के मुख्य स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म बिक्री को अस्थायी रूप से 8 नवंबर 2024 तक प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें मुंबई सेंट्रल, दादर, बांद्रा टर्मिनस, बोरीवली, बसई रोड, बापी, बलसाड़, उधना और सूरत शामिल है। इस उपाय का उद्देश्य लोगों को नियंत्रित करना और स्टेशनों क्षेत्रों के भीतर सुचारू आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है। विनीत अभिषेक ने जोर देकर कहा कि पश्चिम रेलवे ने इन स्टेशनों पर लोगों को कुशलता पूर्वक प्रतिबंध करने के लिए सक्रिय कदम उठाए।